हाय एवरीवन, एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर ये मेरे पास सेमी 15 इंच जो हमारा 3 फीट का कूलर होता है उसकी ये मोटर है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसे, यहाँ पर मैं कितना भी जोर लगा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल भी घूम नहीं रही है। देखिए कुछ इस तरीके से, और इसमें शायद पानी भी चला गया है जिसके कारण यहाँ पर ये घूम नहीं रही है। तो इसे फटाफट से खोल लेते हैं और देखते हैं। तो चलिए इसे खोलने के लिए हमें ये पीछे के इसके 3 स्क्रू खोलना पड़ेगा। तो ये देखिए 8 नंबर का जो स्पिनर होता है उसकी मदद से हम यहाँ पर इसका जो स्क्रू है उन सभी स्क्रूओं को खोल लेंगे। इसके स्क्रू बड़े बड़े होते हैं जब ये कूलर के फाउंडेशन में फंसा होता है, लेकिन अभी यहाँ पर मैंने वहाँ से कट करके लाया है तो इसकी जो बाहर निकलते हैं थ्रेड वो वहाँ पर कट चुके हैं, तो अभी ये भी टूट जाएंगे। इसको आप देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर फंसाएंगे और कुछ इस तरीके से खोलेंगे तो ये भी यहाँ पर ये टूट ही जाएंगे। अभी मेरे पास ग्राइंडर नहीं है, वरना आपको ग्राइंडर से इसे मैं खोल के बता देता। देखिए इस तरीके से नट टूट भी जाते हैं। अभी देखिए यहाँ का जो नट है ये यहाँ पर टूट गया है खोलने में। तो अभी इस तरीके से इसके पूरे स्क्रू को हम यहाँ पर निकाल के रख देंगे और इसमें यहाँ पर हम दूसरे वाले स्क्रू, न्यू वाले स्क्रू लगाएंगे। तो देखिए लगभग इसके सभी जो ये नट बोल्ट है स्टड है इसके सभी यहाँ पर मैंने निकाल दिए हैं। अब बड़ी आसानी से यहाँ पर इसे निकालेंगे। निकालने से पहले यहाँ पर इसका जो ये जो है इसे निकाल लेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से, और आपके पास साइन पेपर होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अभी इसको हल्की सी चोट देते हैं और चोट की मदद से यहाँ पर इसे कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके की चोट देंगे, इस तरीके की चोट देंगे तो ये निकल जाएगा। तो बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो देखिए इसकी वाइंडिंग अभी अच्छी है, बहुत ही सावधानी से इसे निकालना है। देखिए कुछ इस तरीके से ये निकल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेटर को निकाल लेंगे हम कुछ इस तरीके से। देखिए सावधानी पूर्वक निकाल लेना है। तो हमने यहाँ पर स्टेटर को खोल दिया है। देखिए इसका आयल भी यहाँ पर काफ़ी सूख चुका है। ये देखिए बहुत यहाँ पर आयल सूख चुका है। अब इसके जो स्टड है पुराने स्टडों को मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ जैसा कि आपने देखा है। और इसका आगे का जो बूश है वो तो बहुत ही यहाँ पर बेकार सा हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर इसे मैं साइन पेपर से घस लेता हूँ और इसे खोल लेता हूँ। तो देखिए साइन पेपर की मदद से आपने इसे यहाँ पर इस तरीके से साफ़ कर देना है जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है। देखिए अब यहाँ पर कचरा हो जाएगा इसलिए मैंने इसे साइड में कर लिया है। तो वाइंडिंग को हम यहाँ पर साइड में कर देते हैं। इस तरीके से उठाकर मैं इसे बाजू में रख देता हूँ और देखिए इस तरीके से इसे साफ़ कर लेना है आपने पूरी तरीके से, और देखना है क्या ये निकलता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, देखते हैं और किस तरीके से निकलता है। तो देखिए आपने इसे ऑयल में भिगोना है, ऑयल डाल देना है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये कवर यहाँ पर निकल जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से, अभी देखिए यहाँ पर ये निकल चुका है। और इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर इसका जो शॉप है ये पूरी तरीके से यहाँ पर घस चुका है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये घस चुका है। तो यहाँ पर हम इसकी शॉप और बुश, ये जो बुश है इन दोनों बुश और शॉप को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मार्केट से मैं ये बुश रिपीट खरीद कर लेकर आया हूँ और यहाँ पर इसके ये नट बोल्ट यहाँ पर मैं ख़रीद कर लेकर आया हूँ। देखिए ये आपको जो आपका कूलर पंखे के बेरिंग मोटर जहाँ पर मिलती है वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। ये शॉप आपको लगभग 30 रुपीज़ के करीब मिलेंगी और 20 रुपये में ये स्टड मिल जाएंगे, और साथ ही में ये 15-15 रुपये का एक MSP का बुश है और ये 10 रुपये की रिपीट है, यानी कि 70 रुपये में आपका ये पूरा काम यहाँ पर हो जाएगा ये मटेरियल के साथ। और खोल फिटिंग जो है वो आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी आपकी मजदूरी यहाँ पर बच जाएगी। वरना आप ये काम किसी इलेक्ट्रिक के दुकान पर जाके करोगे तो वहाँ पर आपको लगभग 300 से 350 रुपये इसका चार्ज देना पड़ सकता है। वह हर शहर हर गांव के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो देखिए अब हम ये जो है इसके नट यहाँ पर साइड में कर देते हैं हम, और यहाँ पर इस एक बुश को निकाल लेंगे हम। देखिए
एक बुश को निकालने के बाद में उस बुश को हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर काफ़ी घस चुका है तो अभी ये इसके अंदर तो नहीं जा रहा है देखिए, क्योंकि यहाँ पर जंग लगा हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम इसके यहाँ पर जो बुश है इसकी यहाँ पर मेजर कर लेंगे। देखिए ये इसका नहीं है बुश, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसे यहाँ पर रख देते हैं और इसके साथ मेजर करके देखते हैं। तो देखिए ये इसका बुश है, तो बड़ी आसानी से इसके अंदर लग जाता है, आगे से भी लग जाता है और ये देखिए पीछे से भी लग जाता है। तो ये इस वाले शॉप के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि अभी ये शॉप यहाँ पर बहुत जंग खा लिया है इस शॉप ने। तो मैं बुश को वापस से रख देता हूँ, साइड में कर देता हूँ। इसकी शॉप को हम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे। उसको निकालने से पहले हमको इसके जो ये वाइसर है, इन सभी वाइसरों को निकाल लेना है, आगे और पीछे के दोनों वाइसर को निकाल लेना है। जिस तरीके से देखिए यहाँ पर मैंने निकाल दिया है दोनों वाइसर को, आगे और पीछे के जो वाइसर होते हैं, देखिए यहाँ पर घस चुका है। यहाँ पर देखिए ये कलर चेंज हो चुका है, देखिए ये कलर कैसा है और ये कलर का। तो यहाँ पर हम शॉप को चेंज ही करने वाले हैं। तो ये शॉप को आपने किसी भी जो पाइप होता है उसके ऊपर रखना है और ऊपर से किसी भी लकड़ी की मदद से इसके ऊपर चोट देनी है, ना कि इस तरीके की हथौड़ी या फिर प्लायर की मदद से, बिल्कुल भी नहीं देना है। लकड़ी के गुटके से आपने ये चोट देना है। तो अभी यहाँ पर मैं टेबल पर इसे बता नहीं सकता, क्योंकि मैं रात में घर पर यह काम कर रहा हूँ, अभी सब लोग सो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर इसे मैं किसी भी लकड़ी के गुटके की मदद से निकाल कर लेकर आता हूँ और यहाँ पर हम इसे एडजस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इसके जो ये रिपीट है, सभी रिपीट में से ये दो रिपीट रन देना है और बाकी के सभी रिपीट को यहाँ पर इस वाले ये जो पोगर है, इस पोगर को यहाँ पर इस तरीके से रख कर ऊपर से अपने हथौड़ी की मदद से यहाँ पर इसे निकाल देना है। ये देखिए इस वाले हथौड़ी की मदद से आपने इसे छोड़ देना है और नीचे से इसके नीचे कुछ रख देना है आपने। अभी यहाँ पर टेबल पर आपको मैं नहीं बता सकता, क्योंकि टेबल पर अभी बहुत सारा काम हो चुका है और साइड पर मैं ये काम करके आया हूँ। नीचे से बुश रख देना है, पुराने वाला बुश, और ऊपर से इसे ठोकना है। देखिए फ्रेंड्स, इस वाले प्लग पानी में मैंने डालकर ऊपर से इस लकड़ी के गुटके से यहाँ पर ठोका है। अब हम इसको इस तरीके से ठोकेंगे, अब ये निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये निकल चुका है, देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से। देखिए हमारा पुराना रॉड यहाँ पर निकल चुका है। अभी टेबल पर बहुत ही यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है काम करने में, फिर भी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर को मुझे सवेरे देना है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से इसमें लगा देना है, लगाने के बाद में सेम उसी तरीके से इसके ऊपर लकड़ी का गुटका रख कर ठोकने के। तो यहाँ पर अभी ये नहीं जमने वाला है, तो हम इसे साइड में ले जाकर ठोकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर शॉप को इंस्टॉल कर दिया है। अब अपने शॉप को यहाँ पर इस ये जो वाइसर है और इसका जो ये जितना भी सामान है उसको यहाँ पर एडजस्ट करके देखना है, और इतना इसमें थोड़ा सा गैप रखना है। बाद में इसमें कवर को लगा देना है, और कवर को लगा रखने के बाद में देखना है आपने, चाहिए यहाँ पर फिक्स लगता है। तो यहाँ पर मैं इसे खोल देता हूँ और यहाँ पर इसे भी रख देता हूँ। अब हम कवर को देखेंगे, तो कवर के रिपीट में खोल लेता हूँ फटाफट से। तो गड्ढे को ये देखिए, ये जो वायर है इसके, इन वायरों को यहाँ पर अच्छे से खोल लेना है और स्टेटर को बाहर निकल के कवर को साइड में कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके जो छः रिपीट है, छः में से यहाँ पर मैंने चार रिपीट को खोल दिया है और सेम
उसी तरीके से इसमें भी 6 में से 4 रिपीट को खोल दिया है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें बुश लगाना आपको सिखाऊंगा। इस तरीके से आपने इसे ऐसा कर देना है और जो इसका पुराना बुश है उस बुश को स्प्रिंग के साथ यहाँ पर आपने निकाल देना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। देखिए ये देखिए इसकी गद्दी भी यहाँ पर सूख चुकी है, इसमें हमें ऑयल डालना पड़ेगा। और देखिए इसका पुराना बुश यहाँ पर बहुत ही बेकार तरीके से घस चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से बुश ख़राब हो जाते हैं। तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ और आप हम इसमें न्यू वाला बुश लगाने वाले हैं। तो चलिए न्यू बुश इसमें किस तरीके से लगाते हैं देखिए। ये हमारे पास न्यू बुश लगा हुआ है। अब बुश को इसके अंदर हम डालेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे कवर के अंदर। और साथ ही में ये इसकी जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग को भी यहाँ पर हम रख देंगे, इसकी गद्दी को भी यहाँ पर रख देंगे। और ये लगाने के बाद में आपने देखिए कुछ इस तरीके से इसके ऊपर ये ऐसे एडजस्ट कर लेना है। और यहाँ पर इस तरीके से इसके सभी स्प्रिंगों को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी इसके जो रिपीट है, वाइसर है, सभी को यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर इनको ले लिया है और अभी इसको मैं यहाँ पर सबसे पहले इस वाले रिपीट को इसके अंदर लगा दूंगा। देखिए देखिए यहाँ पर देखने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि अभी रात के 11 बज रहे हैं और यहाँ पर इसे आपने रिपीट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसकी मदद और हथौड़ी की मदद से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पुराने बुश है उन पुराने बुश को मैंने यहाँ पर निकल दिया है। और इसकी जो पुरानी शॉप है वो शॉप भी देखिए यहाँ पर भी घस चुकी थी और यहाँ पर भी घस चुकी थी। तो पुराने बुश और शॉप को मैंने यहाँ पर निकाल दिया है, देख सकते हो आप यहाँ पर, ये देखिए। और इसके अंदर मैंने जो न्यू शॉप है वो शॉप मैंने इस तरीके से यहाँ पर लगा दी है, देख सकते हो आप, ये न्यू वाली शॉप है इसके अंदर। और इसके बुश भी आप देख सकते हो, न्यू वाले बुश मैंने दोनों के अंदर यहाँ पर डलवा दिए हैं। अब आपने इसके अंदर ऑयल डालना है, ऑयल डालना बिल्कुल भी ना भूले आप, इसके अंदर ऑयल डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम इसके अंदर अभी ऑयल डाल देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ये ऑयल डालना बहुत ही ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि इसके गद्दी को ऑयल नहीं मिलेगा तो ये प्रॉपर यहाँ पर वर्क नहीं करने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है। देखिए कुछ इस तरीके से इसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल डाल दिया है मैंने इसके अंदर। अब इसके अंदर आपने बुश को घुमाकर देखना है, नीचे वाले बुश को, जो ये नीचे वाला बुश है इसमें इसके अंदर देखिए बहुत ही स्मूथली ये वर्क कर रहा है। देखिए और साथ में ही मैं अभी आपको ऊपर वाला भी लगाकर बता देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से इसमें ऊपर वाला भी वर्क कर रहेगा जैसा कि आप देख रहे हो। तो चलिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल को डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने इसके अंदर ऑयल को डाल दिया है। अब देखिए इसके अंदर ये भी कवर बहुत ही आसानी से, देखिए देखिए बहुत ही आसानी से इसके अंदर ये वर्क कर रहा है, देख सकते हो आप, देखिए बहुत ही आसानी से वर्क कर रहा है। तो चलिए इसके अंदर अभी मैं स्टेटर फिट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर ये जो स्टेटर है, स्टेटर के वायर डाल देते हैं। तो इसके पहले हम यहाँ पर सबसे पहले कैपेसिटर के वायर डालेंगे और कैपेसिटर के वायर डालने के बाद में हम यहाँ पर डालेंगे इसकी जो ये वायरिंग है, इसकी वायरिंग के वायर डाल देंगे यहाँ पर। देखिए सभी वायर आपने बहुत ही सावधानीपूर्वक यहाँ पर डाल देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। अभी बहुत रात हो चुकी है फिर भी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से सभी वायरों को डाल देना है, देख सकते हो आप, देखिए कुछ इस तरीके से सभी वायरों को इसके अंदर डाल देना है। धीरे धीरे से सभी वायरों को खींचना है यहाँ पर, देखिए कुछ इस तरीके से वायर को आपने इसके अंदर रखना है और इस वायर को भी खींच लेना है।
और ऊपर से स्टेटर डाल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो कवर है नीचे का, नीचे के कवर के साथ मैंने यहाँ पर इसका जो स्टेटर है उस स्टेटर को यहाँ पर फिक्स कर दिया है। आपने भी इसी तरीके से करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। अब ये करने के बाद में आपने इसके जो ये प्लास्टिक का वाइसर है और ये जो रबर का वाइसर है, आपने ये वाइसर डालने के बाद में आपने यहाँ पर ये वाइसर भी डाल देना है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये देखिए कुछ इस तरीके से दोनों वाइसर डालना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी इसके अंदर की आपने पैकिंग निकाली वो सभी पैकिंग यहाँ पर डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए मैंने जितनी भी इसके अंदर की निकाली वो सभी कुछ मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। आप चलिए यहाँ पर इसके नीचे का मैं ये रोटर डाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर रोटर हो रहा है, देख सकते हो। अब मैं ऊपर का कवर लगा कर यहाँ पर इसे एडजस्ट करूँगा। रखने के बाद में आपने ये जो इसका कवर है, इस कवर को यहाँ पर इसके जो होल है उन होल को मैच करके इस तरीके से इसके ऊपर से आपने ये इस तरीके से लगा देना है और मोटर को घुमा कर देखना है। देखिए यहाँ पर मोटर बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पर आपने इस तरीके से इसके जितने भी ये नट बोल्ट है, इन सभी नट बोल्ट को यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है इसके अंदर, देखिए कुछ इस तरीके से, और सभी को टाइट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस स्पिनर की मदद से पूरे स्क्रू नट बोल्ट, इसके जो भी ये आठ के नट बोल्ट है इन्हें यहाँ पर कस लेना है और इस तरीके से यहाँ पर मोटर को घुमाकर देखना है। अगर आपकी मोटर घूमती है यहाँ पर नॉर्मली घूमती है इस तरीके से तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी मोटर यहाँ पर इस तरीके से घूमती नहीं है, सॉफ्ट नहीं चलती है, तो आपने हैमर की मदद से यहाँ पर स्टेटर को और कवर को एडजस्ट करना है, यानी कि चोट देना है। चोट दोगे जब तक, चोट देना है जब तक आपकी मोटर यहाँ पर अच्छे से मूव नहीं करती है, यानी कि फ्री नहीं होती है। और ये वायरिंग कुछ इस तरीके से निकाल लेना है आपने और इस तरीके से इसे करना है। तो चलिए अभी यहाँ पर हम इसे कंडेंसर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। देखिए अभी ये इसका कंडेंसर है, कंडेंसर के वायर को छील लेता हूँ मैं। ये देखिए इसमें 4 mmB का कंडेंसर लगता है, ये मुतिब का कंडेंसर है 4 mmB का। इसके ऊपर का नंबर मिट चुका है, तो कोई बात नहीं है, नंबर मिट भी चुका है तो हमें मालूम रहती है, क्योंकि इस मोटर में जो कैपेसिटर है वो 4 mmB का कैपेसिटर लग जाता है यहाँ पर। और जो बच्चा कूलर होता है उसमें जो हमारा फ़ैन का कैपेसिटर रहता है 2.5 का, वो लगता है। और इसमें एक बड़े बड़े मोटर आते हैं, जैसे इसके जो बड़े बड़े मोटर यानी कि 18 इंची एग्जॉस्ट हो गया उसमें 6 नंबर का कैपेसिटर लगता है। तो अभी यहाँ पर मैं इसे छील लेता हूँ। देखिए इन वायरों को छील लेना है आपने इस तरीके से, अभी छील लोगे आप देखिए। और यहाँ पर छीलने के बाद में बहुत दिन हो गए यूट्यूब पर वीडियो नहीं आया है, क्योंकि काम के कारण यहाँ पर फुर्सत नहीं मिल रही है। तो कैपेसिटर को ये देखिए पीले वायर जो है उनको आपस में कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। ये मैं यहाँ पर फिक्स कनेक्शन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको टेस्टिंग के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर को ये मुझे जो इस मोटर के मालिक है उनको ये सवेरे मोटर देना है कोई भी हालत में। उन्होंने मुझे पहले ही कहा था आप अगर सुबह दोगे तभी ले जाना, वरना मत ले जाना। और मुझे सवेरे ये देखिए यहाँ पर ये कनेक्शन के वायर है, अगर आपको 4 वायर मोटर के कनेक्शन नहीं आते तो बहुत ही सिंपल तरीके से होते, फिर भी इस वीडियो में आपको समझा देता हूँ मैं। इसमें जो ब्लू कलर का होता है कॉमन होता है, और ये यहाँ पर लो स्पीड, मीडियम स्पीड और ब्लैक वाला हाई स्पीड के लिए होता है। तो चलिए, और ये इधर के जो वायर है ये कैपेसिटर के लिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बता देता हूँ आपको मैं, चलिए। तो कैपेसिटर को मैंने साइड में कर दिया है, और अभी इस मोटर को यहाँ पर रन करने के लिए हम वायर यूज़ करने वाले हैं। ये इसका कॉमन यानी कि ब्लू कलर का और ब्लैक हाई स्पीड का। तो चलिए इन दोनों को यहाँ पर मैं छील लेता हूँ। देखिए अभी इसका मेरा जो कैमरा है वो बहुत ही नीचे रिकॉर्डिंग का, तो उसको ही बार बार धक्का लग रहा है। तो इसके बाकी के वायर को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से, या कट भी कर लेंगे आप तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पर इसे सप्लाई देने वाला हूँ, सप्लाई आप जब भी दे तो सीरीज़ में दे सप्लाई। तो देखिए यहाँ पर मैं इसके वायरों को छील कर
सीरीज बोर्ड में लगा दे रहा हूँ, सीरीज बोर्ड आपको मैं नहीं बता सकता। तो देखिए देखिए यहाँ पर मोटर सीरीज का लैंप जल चुका है और मोटर थोड़ी सी घूम चुकी है, तो अभी मैं इसको डायरेक्ट में लगा दूंगा। देखिए यहाँ पर अभी मैं इसको डायरेक्ट में लगा देता हूँ, तो देखिए हमारी मोटर यहाँ पर घूम रही है। तो चलिए आपको दिखाई नहीं दिया होगा तो मैं एक बार और आपको यहाँ पर इस मोटर को रन करके बता देता हूँ, यानी कि अब मैं यहाँ पर इसको सीरीज में नहीं डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई से चलाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारी मोटर इस तरीके से रन कर रही है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक ब्लैक कलर के टेप को लगा दिया है। दोबारा देखिए यहाँ पर बेझिझक होकर मोटर चल रही है, कोई भी मोटर में प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर कोई भी मोटर के साथ अर्थिंग भी नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको टेस्टर लगाकर मैंने बता दिया है, ये देखिए टेस्टर लगाकर बता दिया, हाथ भी लगा देता हूँ, यहाँ पर मोटर के साथ कोई भी करंट नहीं है। इस तरीके से आप भी अपने घर पर जाम मोटर को, जो मोटर में आवाज़ आ रहा है, उस कूलर वाले मोटर को या फिर फैन वाले मोटर को अपने घर पर ही इस तरीके के फॉर्मूले को यूज़ करके रिपेयर कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम रुपए में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले किसी इसी तरीके के वीडियो लेकर। मैं मेरे चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेकर आते रहता हूँ, एसी टेक्नीशियन, एसी का जो काम होता है, फ्रिज का जो काम होता है, ऑल मल्टीपल टेक्नीशियन वर्क्स मेरे चैनल पर के वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर विज़िट करिएगा।